हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी लोटस के डिफरेंट यूज़। जब आप लोग अपने हाथों पर मेहंदी लगाओगे तब आप अपने मेहंदी डिज़ाइन में लोटस का यूज़ कहाँ एंड किस तरीके से कर सकते हो, इसके बारे में मैं आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊँगी। सो आप अपने मेहंदी डिज़ाइन की शुरुआत एक लोटस का बंच क्रिएट करके कर सकते हो। अगर आपको लोटस ड्रॉ करने में डिफ़िकल्टी हो रही है, आपको लोटस ड्रॉ करना नहीं आता प्रॉपर तरीके से, तो आप मेरी पहले की वीडियो ज़रूर देखें। मैंने पहले की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया है लोटस इसी तरीके से कैसे ड्रॉ करते हैं, एंड डिफरेंट तरीके के लोटस भी है मैंने आप लोगों को इसके पहले के वीडियोज़ में ड्रॉ करके दिखाए हैं। सो पहले की वीडियोज़ आप लोग ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। जब भी आप लोग लोटस के पंच का क्रिएशन करोगे तब आप लोगों को ध्यान रखना है, आपको लोटस के पंच का क्रिएशन क्रॉस में करना है। जैसे कि मैंने इस पंच में एक लोटस बनाया है स्टार्टिंग में, देन क्रॉस में लोटस की कली ड्रॉ की है। सो इसी तरीके से आप चाहे तो लोटस की कली ड्रॉ करें या तो लोटस ड्रॉ करें, लेकिन आप जब क्रॉस में इसका क्रिएशन करोगे तब आपका बंच बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखेगा एंड बहुत खूबसूरत आपके मेहंदी को लुक आएगा। सो इस तरीके से आप लोगों को बंच क्रिएट करना है। कुछ लोटस की कली उसमें ऐड करें, सर्कल ऐड करें, लीव्स ऐड करें, इस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट यूज़ करके आप लोग एक लोटस का बंच क्रिएट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर नेगेटिव रिवर्स का यूज़ करते हुए लोटस का बंच का डिज़ाइन यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। सो सबसे पहले हमें यहाँ पर आउटलाइन को ब्रॉड दिखाना है इस तरीके से। सभी आउटलाइन को आप इस तरीके से कवर कर ले, देन अभी जो स्पेस बचा है उसे आप लोग फिल करें। इसके अंदर हम हल्के हाथों से शेडिंग करेंगे। आपको एकदम कोन को हल्के हाथों से चलाना है, इस तरीके से डॉट देंगे मिडल में। ये हमारा यहाँ पर लोटस का बंच रेडी है। अब आप चाहे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो, आप चाहे तो नेटिंग का डिज़ाइन यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। आप में से बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं, मैम हमें डिज़ाइन को जोड़ना सिखाइए, आपका डिज़ाइन कैसे बनेगा, किस तरीके से आपका डिज़ाइन बनेगा, ये आपके स्टार्टिंग एलिमेंट पर डिपेंड करता है। आप स्टार्ट में कौन सा एंड किस तरीके का एलिमेंट बना रहे हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर लोटस का बंच क्रिएट किया है, उसी के हिसाब से मैंने यहाँ पर नेटिंग का क्रिएशन किया है, नेटिंग का लेआउट बनाया है, देन सेमी पिकॉक। जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे तब आपके माइंड में अपने आप आइडियाज़ आएंगे कि हमें आगे क्या ड्रॉ करना है, किस तरीके का डिज़ाइन बनाना है। सो आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बारे में हम डिटेल में वीडियोस बनाऊंगी मैं, हम डिटेल में देखेंगे आने वाली वीडियोस में। सो ये जो मैं डिज़ाइन यहाँ पर क्रिएट करने वाली हूँ, ये भी आप लोग एज अ स्टार्टिंग एलिमेंट यूज़ कर सकते हो अपने ब्राइडल मेहंदी डिज़ाइन में, या तो फुल हैंड मेहंदी डिज़ाइन में, जो भी आप लोग फंक्शन के लिए मेहंदी डिज़ाइन बना रहे हो उसमें। सो इस तरीके से आपको क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर कुछ लोटस एंड कुछ लोटस के कली का क्रिएशन करना है, जैसे कि हमने लोटस के बंच में किया था, उसी तरीके से हमें कुछ लोटस बनाने हैं एंड कलियाँ बनानी है। आप चाहे तो लोटस का ओनली लोटस का यूज़ कर सकते हो इस डिज़ाइन में, बट इसमें मैंने कुछ लोटस की कली भी ऐड की है। सो इस तरीके से हमें सेम वे में सारे के सारे आउटलाइन को पहले ब्रॉड दिखाना है एंड बचे हुए स्पेस को हमें फिल करना है, देन उसके बाद अगेन एक स्ट्रेट लाइन का क्रिएशन करके हमें यहाँ पर इस तरीके से हम डिज़ाइन फिल कर सकते हैं। या तो आप जिगजैग लाइन का भी क्रिएशन कर सकते हो, या तो चेक्स लाइन भी इस तरीके से बना सकते हो।
सो इस तरीके का आप यहाँ पर डिज़ाइन फिल कर सकते हो। ये मैं छोटे छोटे पार्ट में आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन का क्रिएशन करके दिखा रही हूँ। आप चाहे तो इस तरीके के स्पाइरल भी बना सकते हो, या तो आप लाइन विद डॉट का भी क्रिएशन कर सकते हो। बट आपको ये मैंने समझने के लिए यहाँ पर छोटे छोटे पार्ट में इसका क्रिएशन करके दिखाया है। जब भी आप लोग अपना डिज़ाइन क्रिएट करोगे तब आपको ये वाला जो डिज़ाइन है ये सारे पोर्शन में यहाँ पर फिल करना है, ना कि ऐसे छोटे छोटे पोर्शन में। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। सो ध्यान रहे कि आपको सारे पोर्शन में एक ही एलिमेंट का क्रिएशन करना है, जैसे कि स्पाइरल हो गए, लाइन विद डॉट हो गए, ये एक ही एलिमेंट आपको सारे पोर्शन में फिल करना है। सो यहाँ पर जो मैं ये लोटस बना रही हूँ, ये मैंने इसके पहले के वीडियोस में बताया है कि इस टाइप के लोटस का क्रिएशन किस तरीके से करना है। सो आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ देख लेना। थोड़ा सा डिस्टेंस रखकर आपको हर एक एलिमेंट ड्रॉ करना है। यहाँ पर आप यहाँ पर कुछ लोटस की कलियाँ इस तरीके से बना सकते हो, दिन सर्कल। थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट ड्रॉ करना है, एंड ये वी शेप में आप लोगों को ड्रॉ करना है, जैसे कि इस तरीके से। इस शेप में आप लोगों को ये एलिमेंट ड्रॉ करना है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर पूरा का पूरा ये वाला पोर्शन फिल करेंगे कोन को ज़्यादा प्रेस करते हुए। ये जो डिज़ाइन है ये आप ब्राइडल मेहंदी डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हो एज अ स्टार्टिंग एलिमेंट। जब आप लोग अपने मेहंदी डिज़ाइन की शुरुआत करोगे तब आप लोग इस टाइप का डिज़ाइन ड्रॉ कर सकते हो, या तो आप जब पीकॉक ड्रॉ करोगे देन उसके बाद भी ये वाला डिज़ाइन ड्रॉ कर सकते हो। सो सभी पोर्शन को हमें इस तरीके से फिल करना है। अब हम यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, एंड यहाँ पर हल्का वाला रेफरेंस लाइन बनाएंगे, एंड इस पोर्शन में हमें सेम डिज़ाइन फिल करना है, जैसे कि मैंने पहले के डिज़ाइन में बताया है। आप ज़िगज़ैग लाइन का क्रिएशन भी यहाँ पर कर सकते हो, आप स्पाइरल का भी क्रिएशन यहाँ पर कर सकते हो, आप लाइन विद डॉट का भी क्रिएशन कर सकते हो। यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन फिल कर सकते हो, बट याद रखिए कि अगर आप लोग इस पोर्शन में स्पाइरल फिल करते हो तो पूरे पोर्शन में आपको स्पाइरल ही फिल करना है। सो इस तरीके से आप डिफरेंट डिज़ाइन का क्रिएशन कर सकते हो। अब ये जो डिज़ाइन है ये मैं पाम के लिए बना कर दिखा रही हूँ। अपने हथेली पर जो डिज़ाइन आप लोग ड्रॉ करोगे वहाँ पर भी आप लोग लोटस का यूज़ कर सकते हो। सो यहाँ पर मैंने एक स्ट्रेट लाइन बनाई है जो कि रिंग फिंगर के पास कनेक्ट किए है मैंने, देन इस पोर्शन में मैं लोटस का क्रिएशन करूँगी। सो इस तरीके से आप कुछ डिफरेंट लोटस का भी क्रिएशन कर सकते हो यहाँ पर। सो मैंने एकदम प्रॉपर तरीके से ये ड्रॉ नहीं किया, आप लोगों को जस्ट आइडिया आ जाए लोटस का क्रिएशन किस तरीके से हम अपने डिज़ाइन में कर सकते हो, इसलिए मैंने ये रफली आप लोगों को ड्रॉ करके दिखाया है। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं प्रॉपर डिज़ाइन बना कर दिखाऊँ आप लोगों को लोटस के, तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं नेक्स्ट वीडियो इसके बारे में बनाऊंगी। अगर आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।